अरे तुम कहाँ चली? आपके साथ। ना 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 कमला, तुम्हें तो अब से यहीं रहना होगा। आप नहीं रहेंगे? भला मैं लड़कियों के स्कूल में कैसे रह सकता हूँ? तो मैं भी नहीं रहूंगी, मुझे ले चलिए अपने साथ। जी कमला। ओहो मैं तो भूल गया, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चीजें लाया था, लो देखो पहन लो। मुझे जल्दी ले जाइएगा यहाँ से। वो कहे चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप तो खुदो चाहता है नाम मुझे, अब तो एग्जाम मोहब्बत पैगाम मुझे, अब तो एग्जाम मोहब्बत है पैगाम मुझे, वो कहे आप ए रंजो मुसीबत के बरसते बादल छट गए रंजो मुसीबत के बरसते बादल हंसता सूरज नजर आता है सरे बाम मुझे, हंसता सूरज नजर आता है सरे बाम मुझे, वो कहे आपकी दो चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप आरज़ू अब तो जगह हो गई उनके, आरज़ू अब तो जगह हो गई उनके दिल में, आ गया रास मोहब्बत में मेरा नाम मुझे, आ गया रास मोहब्बत में मेरा नाम मुझे, वो कहे आपकी दो चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप। बंद न कीजिए अक्षय बाबू, गाइए। हेमनलिनी देवी, हम नहायत मामूली आदमी हैं, कोई बाप दादा की जिम्मेदारी तो है नहीं, मेहनत करके पेट भरना पड़ता है, मुझे रोक के आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। रमेश बाबू, आप अपना नाम बदल डालिए। इसलिए? रमेश नाम का एक लड़का किसी दूसरे के बदले इम्तिहान में बैठा था, पकड़ा गया। अक्षय नाम के बहुत से लोग शायद जेल की हवा खा रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना नाम बदल डालें। ये लीजिए, एक दोस्त की हैसियत से मैंने नेक सलाह दी, आप खफा हो गए, तो फिर बात जरा खोल कर ही बताऊं। मेरी छोटी बहन बेसन स्कूल में पढ़ती है, कल मुझसे कहने लगी, भैया तुम्हारे दोस्त रमेश बाबू की पत्नी भी हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये क्या अन्याय है कि छुट्टी के दिनों में भी वो उसे हॉस्टल में रखना चाहते हैं, उधर वो बेचारी रो रो कर दिन रात एक कर रही है। मैंने कहा हट पगली, हमारे रमेश बाबू की पत्नी क्यों होने लगी, उनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बाद में सोचता रहा, अगर ऐसी ही गलती औरों से भी हुई तो। अक्षय तुम क्या पागलों की तरह बातें करते हो, कौन रमेश किसकी पत्नी किस स्कूल में पढ़ी रो रही है, उसके लिए हमारा रमेश क्यों अपना बदलने लगा? बिल्कुल ठीक। जी नहीं, ये मैं कब कह रहा। ओहो रमेश बाबू, आप तो नाराज होकर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है? आप क्या समझते हैं कि मैं आप पे शक करता हूं? भला देखिए तो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या बात है हेम, तुम रोने क्यों लगी? अक्षय बाबू को हमारे घर में उनका इस तरह अपमान करने का क्या हक है? अपमान? किसने किसका अपमान किया, मैंने उनका या उन्होंने आपका? अरे अक्षय ने मजाक में कुछ कह दिया, इतना बिगड़ने की क्या जरूरत थी? ये भी कोई मजाक का तरीका है?